अंजुम फकी खतरों के खिलाड़ी के लिए उड़ान भरने से पहले दरगाह पहुंच के चादर चढ़ा के मन्नत मांग ली है। जी हाँ, उनका आज एक फोटो सामने आया है जहाँ पे वो हाजी अली दरगाह के इधर स्पॉट हुई है। और क्या खबर है यहाँ से जुड़े, आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त और शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। अंजुम फकी जो कि कुंडली भाग्य की फेम एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जो कि अभी फिलहाल कुंडली भाग्य से क्विट कर चुकी हैं और खुद को एक नए शो में ढालने के लिए एक नया रियलिटी शो में दिखने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी के अपकमिंग सीजन में अंजुम फकी भी एज अ कंटेस्टेंट के रूप में नजर आने वाली है। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग इस बार कंटेस्टेंट इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनके अलग अलग रूप, अलग अलग किरदार और अलग अलग डरों से किस तरीके से वो ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होगा। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूँ कि अंजुम फकी जो हैं वो दरगाह पहुँचती हैं और दरगाह से वो कहते हैं जो चादर चढ़ाते हैं वो चादर वगैरह वो सब लेती हैं और वहाँ पर जाके मतलब आप कैसे कोई नमाज पढ़ते हुए नजर आई हैं, चादर चढ़ाती हुई नजर आई हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि खतरों की खिलाड़ी में जाने से पहले इनकी ये तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से शुरू हैं और जिस अंदाज से ये अपनी तैयारियां शुरू करते हुए दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है शो के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ खतरों के खिलाड़ी सीजन जो अभी स्टार्ट होने वाला है, हर एक कंटेस्टेंट अपने अपने तौर पे लगा पड़ा है। जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि शिव ठाकरे भी रिसेंटली सिद्धिविनायक के मंदिर में स्पॉट हुए थे, जहाँ वो खतरों के खिलाड़ी जाने से पहले बप्पा से दर्शन लेते हुए नजर आए हैं। तो वहीं यहाँ पे बात कर ले अंजुम फकी की, तो ये भी हाजी अली दरगाह की यहाँ पे जाके चादर चढ़ा के अपनी नई शो के लिए, अपने नया रियलिटी शो में टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए और शो से एक अच्छा खासा जीत हासिल करने के लिए वो चादर चढ़ा के आई हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि ये भी खबर सामने आया था कि 11 मई को सारे कॉन्टेस्टेंट इंडिया से रवाना हो जाएंगे अपने उस लोकेशन पे जहाँ पे खतरों के खिलाड़ी का शूटिंग होने वाला है। और ये भी पता लगा है कि जून के स्टार्टिंग वीक के या फिर एंडिंग वीक से खतरों के खिलाड़ी टीवी पे आना शुरू हो जाएगा, मतलब ऑन एयर होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप इस बार के खतरों के खिलाड़ी के शो के लिए कितने एक्साइटेड हैं, यहाँ पे आपके फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन कौन हैं जो कि खतरों के खिलाड़ी में इस बार नजर आने वाले हैं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। टेलीविजन से जुड़े और बॉलीवुड से जुड़े हर अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए फीफा फूज।